हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू कृतिकाज ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम एक आसान और बहुत ही असरकारक हेयर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारे बाल काले, घने और लंबे हो सकते हैं। अनियन जूस। प्याज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इनएक्सपेंसिव और फास्ट हेयर रेमेडी है। आर यू वंडरिंग हाउ डू दे स्मेल? ऑब्वियसली दे स्मेल लाइक अनियंस। इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ होती है, पर इसके फ़ायदे उससे भी तेज़ हैं। मार्केट में कई तरह के प्याज मिलते हैं, हमें रेड या पिंक अनियंस का प्रेफरेबली चॉइस करना है। पहले हम इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेंगे। प्याज के बाहर के छिलकों को निकाल दीजिए। बालों का जड़ना, डैंड्रफ होना, इचिंग होना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। अनियन जूस और अनियन ऑयल इस तरह के प्रॉब्लम्स को कई बार अच्छी तरह से टैकल कर लेता है। अब हम अपने अनियन को काट लेंगे और मिक्सी जार में डालकर उसका पेस्ट बना लेंगे। शोल्डर लेंथ हेयर के लिए एक अनियन का जूस इनफ है। आप अपने हेयर लेंथ के मुताबिक प्याज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। प्याज काटने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, दैट्स बिकॉज इट हैज़ जेनरस अमाउंट ऑफ सल्फर इन इट। और सल्फर अपने बालों पर अमेजिंग इफेक्ट करता है। पतले बालों को मोटा हेल्दी कर देता है, सफ़ेद बालों को प्रिवेंट करने में मदद करता है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे स्कैल्प इन्फेक्शंस कम हो सकते हैं। अनियन जूस ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इसीलिए बाल दुगनी तेजी से बढ़ते हैं। प्याज को ग्राइंड करते वक्त उसमें ज़रा भी पानी नहीं डालना है। हम अनियन जूस का इस्तेमाल प्लेन हेयर या ऑयल्ड हेयर दोनों में ही कर सकते हैं। ऑयल्ड हेयर में ऑयलिंग के 2 घंटे बाद ही अनियन जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने प्याज को ग्राइंड कर लिया है, अब पतले कपड़े से या स्ट्रेनर से छान कर इसके रस को अलग कर लेंगे। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जिससे बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इसी वजह से हेयर लॉस कम होता है। हाउएवर, अनियन जूस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्योर फॉर हेयर लॉस कंडीशंस लाइक एलोपेसिया और पैटर्न बॉल्डनेस। प्याज अपने करंट हेयर के ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है, स्टिम्युलेट कर सकता है, लेकिन ये किसी भी तरह के हेयर लॉस इलनेसेस को रिवर्स नहीं कर सकता। अब ड्रॉपर की मदद से पार्टिंग करते हुए अपने स्काल्प में पूरी तरह से इस अनियन जूस को लगा लेना है। यदि आपके बाल लंबे हो तो स्प्रे बॉटल में अनियन जूस को डालकर लेंथ्स पर भी स्प्रे कर देना है। अनियंस अपने बालों के लिए काफ़ी सेफ है, फिर भी आपको पहली बार इस्तेमाल करते वक्त पैच टेस्ट कर लेना है टू कंफर्म कि आपको कहीं अनियंस की एलर्जी तो नहीं। चलिए अब हम अनियन ऑयल बनाना देख लेते हैं। 2 प्याज लेकर उसके छिलके उतार दीजिए। इन्हें पीसेस करके ग्राइंड कर लीजिए या फिर उन्हें ग्रेट कर लीजिए। मैंने अनियन ऑयल बनाने के लिए 200 ml कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या सेसमी ऑयल यानि तिल का तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। एक कढ़ाई में 200 ml नारियल का तेल गरम करें। तेल के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए हमने लोहे की कढ़ाई ली है। इस तेल में प्याज की पेस्ट या ग्रेट किए हुए प्याज ऐड करेंगे। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और हर थोड़ी देर पे हम इसे चलाते रहेंगे। हमें इसे आधे घंटे तक मीडियम आंच पर कुक करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको कुकिंग, बेकिंग, चॉकलेट्स, सोप मेकिंग, सिंगिंग, सारी ड्रेपिंग जैसे क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्ट है तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तेल को पकाते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और अपने अनियंस का कलर काफ़ी गहरा हो रहा है। मेरे लास्ट वीडियो में अनियन ऑयल बनाने की विधि के लिए रिक्वेस्ट आया था, इसलिए मैंने ऑयल को आज इस वीडियो में इंक्लूड किया है। लेकिन अनियन जूस डायरेक्ट एप्लीकेशन के रिजल्ट्स अनियन ऑयल से कई गुना ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। देखिए, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब गैस को बंद कर दीजिए और इस तेल को 4 से 5 घंटों तक ढककर रख दीजिए। 5 घंटे हो चुके हैं और हम अब अपने तेल को पतले कपड़े से छान लेंगे। आप चाहें तो इस तेल में कुछ ड्रॉप्स एरोमेटिक ऑयल के मिला सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अनियंस फॉर हेयर। I hope you enjoyed learning. See you in the next tutorial.